हाँ, मेरे पहली बार है TPL में, और काफ़ी खुश हूँ कि दिल्ली बिनी विकेट के लिए खेल रहा हूँ। ऑब्वियसली होम स्टेट को रिप्रेजेंट करना एक ऑनर है, तो इससे बड़ा डेब्यू नहीं हो सकता। होपफुली अच्छा रहेगा। आई नो टॉप इंडियन सारे इंडियन प्लेयर्स खेलें टॉप, और बहुत बड़ी बात है कि आप टॉप 15 टॉप 16 को लाएँ। उससे बड़ी बात है कि आप इंटरनेशनल वुमेंस प्लेयर्स को ला रहे हैं, तो आई थिंक ये लीग जिस तरीके जा रहा है बहुत बड़ा हो सकता है। आई थिंक चैलेंज यही रहेगा कि सस्टेनेबल हो, और थर्ड सीजन में है तो होपफुली आगे चल के और बड़ा और बेटर रहेगा। आपको लगता है कि ये सक्सीड करेगा हमारे ओलंपिक के अंदर और हमारे प्लेयर जो है इसमें मेडल क्लिंच कर सकते हैं? आई थिंक मुश्किल है, और इस मुश्किल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड स्पोर्ट है, दुनिया खेलती है, सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट होगा फुटबॉल के बाद टेनिस। और आप देखिए अब किसके साथ कम्पीट कर रहे हैं, फेडरर, नडाल, जोकोविच, यू नो द इंडियंस के लिए भी टेनिस में बड़ी बात यही है कि ओलंपिक्स रिप्रेजेंट कर सके, इंडिया को खेल सके। हम काफ़ी बार क्लोज आए हैं डबल्स में, काफ़ी बार मिक्स डबल्स में काफ़ी बार क्लोज आए मेडल्स के लिए, तो उम्मीद यही है आगे चल के ऐसे ही यही है एक अच्छा एग्जाम्पल है प्लेटफॉर्म का कि हम देखेंगे आगे के सितारे ऐसे ही निकलेंगे अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये यही उम्मीद रहेगी कि हाँ, मे बी अमेरिकन 2028 2032 ओलंपिक्स में देखे कि इंडिया टेनिस में ही मेडल ला रहे हैं।